हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में, ठीक है। सो अगर आप मेरा रिसेंट वीडियो देखे होंगे तो वहां पे मैंने बात की हुई है टाइप्स ऑफ इवेंट में, तीन टाइप के यहाँ पे बात की हुई है। उसमें था पहला इक्वली लाइकली इवेंट्स, सेकेंड था मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और थर्ड था मेरे पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने तीन टाइप ऑफ इवेंट मैंने ऑलरेडी बात की हुई है अब मैं प्रीवियस वीडियो में, और अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को आप लोग देखो, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट्स में। नेक्स्ट जो टाइप होता है मेरे पास वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके। और इसमें बात होगी फिर डिपेंडेंट इवेंट्स की। तो ये किस टाइप के होते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन फ्रेम जो होगा वो मैं आपको पूरा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सिर्फ इस वीडियो में टाइप ऑफ इवेंट देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर बात करूं तो मैंने उसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ने के पहले मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या, ठीक। तो अगर मैं एक सिंगल क्वाइन की बात करता हूं, एक सिंगल क्वाइन मैंने लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल, और उसमें दो टाइप के इवेंट होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, ठीक है। सो भाई एक बात बताओ, ये मैंने क्वाइन को टॉस किया, जैसे मैंने क्वाइन टॉस किया तो मुझे मिला लेट सपोज हेड, ठीक है। दूसरी बार मैंने क्वाइन टॉस किया, मुझे मिला यहां पे हेड, ठीक है। तीसरी बार मैंने टॉस किया, मुझे मिला हेड। तो आप देख सकते हो तीनों में हेड आ रहा है, ठीक है ना सर। ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन दूसरी बात क्या कि सर ये कैसे इंडिपेंडेंट होगा, ध्यान देना। मैंने जब फर्स्ट टाइम टॉस किया था तो मुझे मिला था हेड, अब दूसरी बार क्या आने वाला है भाई, हो सकता है वो हेड आए या टेल आए। तीसरी बार क्या आने वाला है, हो सकता है वो हेड आए या टेल आए। क्या यहां पे जो ट्रायल्स आप ले रहे हो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया हेड आने का और दूसरा लेट सपोज आ गया हेड फिर से, तो जो सेकेंड नंबर के ट्रायल में जो भी इवेंट आ रहा है वो क्या फर्स्ट ट्रायल पे बेस्ड है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब इस टाइप के इवेंट्स जहां पे वो जो इवेंट आपको ट्रायल से मिल रहे हैं, जो आउटकम्स आपको मिल रहे हैं, वो आने वाले इवेंट्स पे बेस्ड नहीं है, या जो अपकमिंग आउटकम्स हैं, जो अपकमिंग ट्रायल्स के जो आउटकम्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो प्रीवियस वाले इवेंट पे बेस्ड नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो मैंने अगर फर्स्ट टाइम यहां पे लाया हेड और लेट सपोज सेकंड टाइम में टेल आ गया, तो क्या सेकंड नंबर के ट्रायल में टेल आना वो हेड पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं सर, कुछ भी हो सकता है ना वो। तो क्या आपको बात समझ में आई? अगर मैं आपको बोलूं यहां पे थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेनेशन को और आगे बढ़ाऊं, तो अगर मैं चलो बात कर रहा हूं, एक इवेंट मैंने लिया क्वाइन के लिए और एक इवेंट मैंने लिया बी डाइस के लिए, ध्यान देना आप लोग मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको बढ़िया समझ में आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ओके। तो एक सिंपल से हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक डाइस है और एक क्वाइन है, ये दो हाथ में मेरे पास एक डाइस और एक क्वाइन, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोल करता हूं डाइस को और इसको क्वाइन को टॉस करता हूं, ठीक है ना, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा अब वो देखते हैं। तो सैंपल स्पेस मेरे पास आएगा क्वाइन के लिए भाई यहां पे हेड होगा और टेल होगा, है ना। और बी के लिए सैंपल स्पेस क्या आएगा मेरे पास, यह आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, क्वाइन को आप टॉस करोगे तो हेड और टेल आएगा, डाइस को आपने रोल किया तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको 6 मिलेंगे। अब मैं आपको दोनों को एक साथ यहां पे ट्रायल ले रहा हूं, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, यहां पे एक बात बताओ कि भाई आपने क्वाइन को टॉस किया तो हेड आना या टेल आना, क्या डाइस पे आने वाले आउटकम पे बेस्ड है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, कुछ भी आ सकता है यहां पे। नेक्स्ट बात, यहां पे क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे अपन बात कर रहे हैं डाइस को रोल करने का, तो आउटकम आ रहा है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पे जो भी आउटकम्स आ रहा है, अब यहां पे मैंने क्वाइन टॉस किया, हेड आ गया और टेल आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे जो क्वाइन पे आने वाले आउटकम्स हैं, क्या वो डाइस पे बेस्ड है? नहीं, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। क्यों? कि सर डाइस में जो नंबर आने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो यहां के आने वाले आउटकम्स इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके। तो यहां पे जब बात होती है टास्क की, जो जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, तो कैसे होता है देखो,
मैं आपको बताया था कि भाई जब प्लस कब यूज करते हैं, जब अपन दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, किसी दूसरे वे पे आते हैं, जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। और जब इंटू कब यूज करते हैं, तब तक यूज करते हैं जब तक कि अपना टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इवेंट अकर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अपने पास दो इवेंट है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, डाइस और ये क्वाइन के लिए, ठीक है। तो आपका टास्क कंप्लीट कब होगा, जब आप इस डाइस को रोल कर लोगे और एट द सेम टाइम जब आप इस क्वाइन को टॉस कर लोगे। क्या आपको बात समझ में आया, डाइस को आप रोल कर लोगे और क्वाइन को टॉस कर लोगे। तो आपका टास्क कंप्लीट कब होगा, टास्क आपका कंप्लीट तब होगा जब आप दोनों को कंप्लीट कर लोगे। इसका मतलब है कि यहां पे दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं, इवेंट ए एज वेल एज इवेंट बी। इसका मतलब है अगर मैं यहां पे लिखता हूं सैंपल स्पेस ए बी, और यहां पे मैंने बीच में क्या अप्लाई किया हुआ है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, ए एज वेल एज बी या ए एंड बी, दोनों इवेंट हो रहे हैं ना। और ये हो जाएगा मेरे पास एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। सर समझ में नहीं आया, देखो अगर मैं बोलूं कि सर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, इवेंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू इवेंट ऑफ बी। सर ये आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि भाई बात बताओ मल्टीप्लाई अपन कब तक करते हैं, जब तक अपना इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। आपने बोला कि सर इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी है, आपको बी को भी तो कराना है ना, तभी तो आपका टास्क कंप्लीट होगा, इसलिए यहां पे बीच में क्या आ गया, इंटू साइन। इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और ये दो इवेंट्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ध्यान देना आप लोग यहां पे, ये हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक। अगर मैं इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूं, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है किसके लिए लिखा है, ये लिखा है मैंने ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या आपको बात समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं बोलता हूं यहां पे एक सिंगल डाइस की बात करता हूं, एक सिंगल डाइस की बात करता हूं, तो मेरे पास आउटकम कितना आता है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसी को रिप्लेस करता हूं, सर यहां पे टू डाइस है तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा मेरे पास, सैंपल स्पेस बनेगा 36, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, लेट सपोज मैंने यहां पे लिया फर्स्ट डाई और ये सेकंड डाई, ध्यान देना आप लोग, तो मेरे पास ये दो डाइस है, मैं इसको रोल कर रहा हूं, मैंने रोल किया और मैंने चेक किया कि इस वाले डाई में 1 आ रहा है और इस वाले डाई में 2 आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास, यहां पे 1 आ रहा है और यहां पे 2 आ रहा है, ठीक है। लेट सपोज यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है, मैंने रैंडमली लिया हुआ है। तो एक बात बताओ मुझे, एक डाइस को आप दो बार ट्रायल पे लो या दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करो, बात तो एक ही होगी ना, सैंपल स्पेस 36 बनेगा। तो क्या यहां पे सेकेंड डाइस पे आने वाला नंबर फर्स्ट डाइस पे डिपेंडेंट है क्या, सर नहीं, कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। क्या यहां पे फर्स्ट डाइस पे आने वाला नंबर सेकेंड पे डिपेंडेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट डाइस में भी कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, सो दैट्स व्हाई इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 36 कॉम्बिनेशन। मतलब यहां पे इस वाले ट्रायल पे, इस वाले डाइस पे जो आउटकम्स आ रहे हैं, क्या वो सेकंड वाले को इफेक्ट कर रहे हैं, क्या सेकंड वाले आउटकम्स फर्स्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर नहीं। तो एक इसका एग्जांपल हो गया मेरे पास, ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। क्या आपको बात समझ में आई, तो डाइस वन को मैंने एक इवेंट लिया, डाइस टू को मैंने दूसरा इवेंट लिया और वहां पर चेक किया कि सर दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं क्या, तो आपने बोला सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी आउटकम आ सकता है, सो दैट्स व्हाई यहां पर ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके। अब देखो यहां पे डेफिनेशन को देखो, अब आप समझ जाओगे यहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, देखो, इफ देयर आर टू और मोर इवेंट्स सच दैट द अकरेंस ऑफ एनी वन डस नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स। क्या आपको बात समझ में आई क्या, दे आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो मैंने आपको पूरा यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। और आगे लिखा है मैंने एक और डेफिनेशन कि टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ आउटकम्स ऑफ वन इवेंट, ठीक है, जो भी एक इवेंट से आउटकम निकल के आ रहा है क्या वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है यहां पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं यहां पे। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल भी यहां पे अफेक्ट नहीं कर रहा आउटकम ऑफ अनदर इवेंट। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
अब क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होते हैं उसका एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके सो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं एक सिंगल डाइस का तो उसमें मेरे पास सैंपल स्पेस कितना होता है, सैंपल स्पेस होता है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, लेट सपोज ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, और डिवाइड कैसे हो रहा है, ये हो रहा है ऑड नंबर और मेरे पास ये हो गया इवन नंबर। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है और वो ये है मेरे पास कि भाई ऑड नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा ए के लिए, इवेंट ए के लिए, तो भाई होगा ये 1, 3 और ये 5। ठीक है, इसका डिटेल मैंने पूरा किया हुआ है लास्ट वीडियो में, जस्ट जरूर देखना आप लोग उसको। और एन ऑफ बी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2, 4 और ये 6। क्या आपको चीज समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑड और इवन नंबर तो मैंने एक डाई लिया, ठीक है, अगर उसमें लेट सपोज मेरे पास आ गया 2, क्या बोला मैंने सर 2 आ गया, तो 2 होने का मतलब है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आप देखने वाले हो, तो एट द सेम टाइम क्या ऑड नंबर हो सकता है? तो आप बोलोगे सर नहीं, अगर एक डाइस को मैंने थ्रो किया और उसमें मुझे मिल गया 2 तो इवन नंबर हो गया, तो एट द सेम टाइम क्या ऑड नंबर होगा? नहीं। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि अगर इवन नंबर मेरे पास हो रहा है तो ऑड नंबर एट द सेम टाइम नहीं होगा। ये दो टाइप के इवेंट, अगर ऑड नंबर इनकेस ट्रायल में आ गया तो ऑड इवन नंबर नहीं आएगा। तो यहां पे एक दूसरे जो है ये इवेंट ए और इवेंट बी आपस में अफेक्टेड है। कैसे? अगर इवेंट इवन नंबर आ गया तो ऑड नहीं आएगा और ऑड आ गया तो इवन नंबर नहीं आएगा, है ना? क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि सर ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर आपको याद होगा, आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो इसको मैंने, आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या लिखा था मैंने इसको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि ऐसे इवेंट्स, ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स कि एक इवेंट के हो जाने से बाकी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो बिल्कुल भी जीरो होती है, मतलब कि ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स जो साथ में अकर नहीं होते, मतलब साइमल्टेनियसली अकर नहीं होते हैं, और उस केस में मैंने इंटरसेक्शन वाला पार्ट को जीरो किया था, आपको याद होगा। इस केस में आपको याद होगा मैंने ए ऑफ बी इसको मैंने लिया था 5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको मैंने लिया 0। लेकिन अगर बात करें इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये नॉट इक्वल टू 0 था। अगर मैं लिखूं यहां पे, अगर मैं लिखना चाहता हूं कि सर इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे आपने क्या लिखा था, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या आपको समझ में आया? और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में क्या हो रहा है कि सर ये तो 0 हो रहा है ना, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट लोगों को डाउट होता है कि सर क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट सेम होते हैं क्या? तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन एग्जांपल देखो डिफरेंट है कि अगर एक इवेंट हो गया है तो दूसरा नहीं होगा, समझ रहे क्या अपन? और यहां पर आप देख रहे हैं कि वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, मोर देन वन टू ये जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब के सब म्यूचुअली तभी होते हैं जब वहां पे एक इवेंट के होने से दूसरा इवेंट, बाकी सारे इवेंट रुक जाते हैं, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। क्या आपको समझ में आया चीज? अगर मैं इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करता हूं तो वो क्या होता है, जिसके आउटकम्स आपस में अफेक्टेड नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है? अभी इसको देख के लग रहा है कि ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और इसी को मैंने बोला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या, जहां पे आउटकम्स किसी भी इवेंट्स के एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, तो इस टाइप के इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन यहां पे इवन नंबर के होने से ऑड नहीं हो रहा है, ऑड होने से इवन नहीं हो रहा है, मतलब कि एक इवेंट का ट्रायल दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स फॉर वन डाइस। क्या आपको बात समझ में आई क्या? तो ये था मेरे पास पूरा डिटेल इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। ओके, अब यहां पे आगे हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो जो आप लोगों ने यहां पे सीखा हुआ है। ओके,
सो लास्ट टाइप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवेंट का, और उसका नाम है डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये लास्ट टाइप है अपने पास। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। बिफोर रीडिंग दिस डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स, अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसको पहले समझते हैं, फिर आप लोग ये डेफिनेशन को देखना। ठीक है ना, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि सर डिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या है, तो अगर एक अपन डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं सर, कैसे देखो, आप यहाँ पे पर्सन ए हो, ठीक है, और आप यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ रहे हो। ओके, 12th क्लास में, क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलो एक काम करते हैं, मैंने इसको लिया 10th क्लास। ठीक, अब मैंने इसमें कैटेगरी डिवाइड किया है। कैटेगरी क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे, कि भाई कोई पर्सन ए है, लेट सपोज आप हो और पर्सन ए है, उसको आपको 10th क्लास में है, और 10th क्लास में दो पॉसिबिलिटी बन सकती है सर, क्या कि भाई 10th क्लास वो पास करने वाला है या पास नहीं करने वाला है, दो पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है कि इस तीन पार्ट में, क्या तीन पार्ट मेरे पास, देखो ध्यान से, ये तीन पार्ट मेरे पास ये है कि इसे 11th में आके, है ना, ध्यान रखना 11th में आके सब्जेक्ट चूज करना है, क्या सब्जेक्ट चूज करना है यहाँ पे। सो लेट सपोज ये मैथमेटिक्स लेना चाहता है, या इसके पास और भी ऑप्शन है कि ये यहाँ पे कॉमर्स ले सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि ये आर्ट्स ले सकता है। ठीक है, ये मेरे पास, तो भाई तीन पॉसिबिलिटी होती है मेरे पास कि भाई 10th क्लास में आने के बाद आपके पास लेट सपोज तीन पॉसिबिलिटी है कि भाई आप मैथ्स ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, और आप आर्ट्स ले सकते हो। ठीक, अब इसे मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया, क्या कि अपने पास जो पर्सन ए है, अगर उसका 80% के अबो आता है, ठीक है, 80% के अबो, ये इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान से यहां पे अबो 80%, ठीक, तो वो मैथ्स ले सकता है। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं सर कि वहां पे वो 60% से 80% के बीच आ गया, ठीक है, तो उस केस में वो या तो कॉमर्स ले सकता है या फिर आर्ट्स ले सकता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? और अगर वो यहां पे बिलो 60% है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स ले सकता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने केसेस यहां पे डिवाइड कर दिए, समझना, एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है। तो यहां पे आपको ये दिख रहा है कि अगर आप 10th क्लास में 80% लेके आते हो तो आप यहां पे मैथ्स ले सकते हो, है ना। अगर आप, ध्यान देना, अगर आप लेट सपोज आपका यहां पे 90% आ गया, आपने यहां पे 90% अचीव किया, तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, क्या सर, आप मैथ्स भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो, आपके ऊपर है ये। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इसने बोला कि सर इसका ऑप्शन आ गया 60%, ये लेट सपोज इसने 61% मार्क्स लेके आए अपने 10th क्लास में, ठीक है, तो आपके पास अगेन दो पॉसिबिलिटी होगी। पॉसिबिलिटी क्या है सर, 61% में ना आप कॉमर्स ले सकते हो, आप आर्ट्स भी ले सकते हो, लेकिन आप मैथ्स नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, इसका मतलब ये हो रहा है, अगर मैं मैथ्स वाले कैटेगरी को देखता हूं तो 10th क्लास को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हो सकता है वो पास हो जाए या फेल हो जाए, या परसेंट लेके आए, जो उसे परसेंट लेके आना है। अभी मैं परसेंट की बात कर रहा हूं, तो बात यहां पे क्या हो रही है कि 10th क्लास में उसने अगर 80% लेके आए तो उसे मैथ्स मिलेगा, तो मैथ्स के, मैथ्स चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले इस इवेंट पे डिपेंडेंट है कि उसने 80% मार्क्स लेके आए कि नहीं, या 80% से अबो लेके आए कि नहीं, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वो मैथ्स लेना चाहता है तो मैथ्स लेने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पहले डिपेंडेंट होगी 10th क्लास में कितने उसने मार्क्स लेके आए, अबो 80%। ठीक है, दूसरी चीज, अगर उसने 80% नहीं लाया, उसने 80 से बिलो लाया, मतलब 60 से 80 के बीच, लेट सपोज 61% लेके आया, तो उसके बाद अगेन दो ऑप्शन है, मतलब कॉमर्स और आर्ट्स लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है यहां पे, यहां पे उसने कितने मार्क्स लेके आए। तो जहां पे भी जिस भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, होने वाले ऑलरेडी जो इवेंट हो चुके हैं, मतलब क्या, अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि सर ये इवेंट ए है, ध्यान देना आप लोग, ये सब लेट सपोज इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, ये पूरा, ठीक है, तो यहां पे इवेंट ए जब तक नहीं होगा तब तक क्या इवेंट बी होगा? एक बात बताओ ना सर, अगर वो फेल हो गया 10th क्लास में तो वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेगा, वो तो 10th क्लास को फिर से रिपीट करेगा, है ना, ऐसा ही होता है कुछ।
तो यहां पे 10th क्लास में पास होना जरूरी है, उसके बाद परसेंट लाना भी इंपॉर्टेंट है टू सब्जेक्ट टू चूज द सब्जेक्ट। क्या आपको बात समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूं कि सर इसने 80% लाया तो मैथ्स ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, लेकिन अगर 80 से बिलो लाया तो कॉमर्स ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है। अगेन यहां पे चीजें डिपेंडेंट है, कैसे कॉमर्स और आर्ट्स पे लेने का जो प्रोबेबिलिटी होने वाला है वो डिपेंडेंट है पहले ये इवेंट हो रहा है कि नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या इसने इतना परसेंट लाया कि नहीं, तो ये सब सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जो इवेंट होते हैं, जो अपना होने वाली प्रोबेबिलिटी है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है इसमें 10th क्लास में परसेंट लाने की प्रोबेबिलिटी पे। तो इस टाइप के इवेंट्स जहां पे इवेंट्स जो है ऑलरेडी जो हो चुके इवेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। सो जैसा अगर आप डेफिनेशन यहां पे पढ़ते हो तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, टू और मोर इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन गिव्स द सम इंफॉर्मेशन, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन, ये वन हो गया समझ लो, इसका इंफॉर्मेशन क्या है 80% 80% 60-80% या बिलो 60%, तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा सेकेंड वाले इवेंट के लिए जहां पे आप मैथ्स कॉमर्स और आर्ट्स लेने वाले हो। क्या आपको ये चीज समझ में आया बताओ तो ठीक है। अगर मैं चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना आप लोग, अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं डाइस को लेके, ठीक है, एक मैंने दो डाइस की बात की तो उसमें सैंपल स्पेस कितना आ गया मेरे पास 36। अगर मुझे यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई सम यहां पे 12 होने का, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे सम 12 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आप फटाफट इसका आंसर दे दोगे, है ना। अभी यहीं पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूं सर, क्या कि हो सकता है मेरे पास फर्स्ट डाइस में, है ना, फर्स्ट डाइस में और सेकेंड डाइस में, ध्यान देना आप लोग यहां पे, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम 12 होने का, तो मैंने बोल दिया कि सर फर्स्ट डाइस में ना पहले से फिक्स्ड है कि नंबर 6 ऑलरेडी आ चुका है। क्या बोला मैंने सर, पहले से, मैं बोल रहा हूं कि सर पहले से फिक्स्ड है कि नंबर जो है वो फर्स्ट डाइस में 6 आने वाला है ना, पहले से इसको मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक। तो एक बात बताओ सेकेंड डाइस पे क्या क्या आ सकता है? सर सेकेंड डाइस पे ना 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ सकता है, ठीक। तो यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो कोई भी एक इवेंट जो है वो पहले से फिक्स हो गया है और दूसरा जो इवेंट है, दूसरा जो ट्रायल है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, लेकिन ये इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट कब अकर होगी, कब ये हैपन होगी, कब होगी ये, जब सेकेंड डाइस पे 6 नंबर यहां पे आने वाला है। क्या आपको बात समझ में आया? जब मेरे पास सेकेंड वाले डाइस पे 6 आएगा तभी ये इवेंट अकर होगा, मतलब जिसकी भी अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वहां पे डिजायरेबल ये है कि सेकेंड नंबर डाइस पे 6 आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डाइस पहले से फिक्स्ड है वो 6 पे है। इसका मतलब कि ये जो इवेंट होने वाला है ये इवेंट डिपेंडेंट है सेकेंड डाइस पे, और सेकेंड डाइस में जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट डाइस पे आए हुए नंबर से मिल रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है कि वहां पे 6 आने वाला है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जो इवेंट लिखा हुआ है ये इवेंट सम 12 तभी आएगा जब यहां पे 6 आएगा, मतलब ये इवेंट इस पे डिपेंडेंट है सेकेंड वाले डाइस पे, और सेकेंड डाइस पे 6 आ गया तो इवेंट हो जाएगा। और इसका इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है आपको? इसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है फर्स्ट डाइस पे आए हुए नंबर से, दैट इज 6, और वो कि फिक्स्ड है। और तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट्स इवेंट। क्या आपको समझ में आया क्या चीज ये? ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट्स होता है उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग लिखने वाले हैं, तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में देखा यहां पे, और डिपेंडेंट इवेंट्स यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम क्यों लिखा है ऐसा, अभी आप देखना, ठीक है। सो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं सर, स्टेटमेंट क्या है कि डिपेंडेंट इवेंट्स, देखो ये स्टेटमेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये लिखा मैंने यहां पे, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने गेट एग्जाम का,
और सभी ब्रांच को देखना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। देखो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा, जहां पे मैंने डाइस पे लिखा था सम 12 होने का, जो इवेंट मुझे अकर करना है स्वयं 12 होने का, वो इवेंट कब होगा? वो इवेंट कब होगा? जब मेरे पास सेकेंड डाइस पे 6 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? लेकिन उसका जो कुछ इंफॉर्मेशन है आपको फर्स्ट डाइस में यह मिल रहा है कि ऑलरेडी वहां पे 6 बना हुआ है, 6 ऑलरेडी फर्स्ट डाइस पे आ चुका है। तो इस टाइप के इवेंट्स है ना, जहां पे फर्स्ट डाइस ऑलरेडी फिक्स्ड है, मतलब वो बन गया उसका कंडीशन, और सेकेंड डाइस पे 6 आना है, तो बन गया अपने पास इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 12। तो ऐसे इवेंट्स जहां पे किसी एक कंडीशन पे वो बेस्ड होता है उसको हम बोल रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, ये देख लो। तो यहां पे बोलने वाला हूं ए बाय बी, तो यहां पे इसको रीड करते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए when event B is already occurred। देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने, और इसका फॉर्मूला होता है probability of A by B is equal to, तो दोनों इवेंट यहां पर साथ में हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर मैं लिखने वाला हूं probability of A intersection divided by probability of B। ये होता है मेरे पास फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे रीड करें देख लो यहां पे। सर अगर ये फॉर्मूले को मैं जस्ट चेंज कर दूं, क्या लिखूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैसे लिख रहा हूं देखो यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या, बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। समझ में आ रहा है चीज? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहां से बनता है। आपको मैं ना क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैंने टाइप्स ऑफ इवेंट्स आपको क्यों दो वीडियो में समझाया हुआ है आराम से। ठीक है, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब अगर मैं इसका लिखना चाहूं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में क्या लिखने वाला हूं, फॉर्मूला b by a is equal to probability of a intersection b divided by probability of a। ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये होता है दो पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b और प्रोबेबिलिटी ऑफ b by a। अगर मैं इसी फॉर्मूले बोलता हूं, इसी फॉर्मूले बोलता हूं कि सर जो इवेंट a लिखा हुआ है आपने, इवेंट्स a एंड b आर इंडिपेंडेंट, ध्यान देना आप लोग यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ रहा है यहां पे? तो यहां पे ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है, तो फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बन गया अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वापस से इसका मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे थे वो दूसरे इवेंट से अगर इंडिपेंडेंट है तो एक्चुअली में उसी प्रोबेबिलिटी को अपन फाइंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और अगर मैं इसी फॉर्म को लिखूं ये केस, सेम केस, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ रहा है? उसी फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हो तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहां पे बी, तो ये हो गया मेरे पास डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं लास्ट स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ है, क्या सर ये लिखा हुआ है, दैट मींस सम इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करता हूं, ध्यान देना आप लोग यहां पे, वेन डायग्राम मतलब इसमें अगर इवेंट्स अगर डिपेंडेंट है तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि किसी भी दो इवेंट के बीच में कंफर्म इंटरसेक्शन होगा। इसका मतलब है कि यहां पे n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5। 5 मतलब क्या, नल स्पेस। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 0। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या?
कब? सर जब इवेंट्स ना डिपेंडेंट है, देयर इज मस्ट बी सम इंटरसेक्शन बिटवीन दिस टू इवेंट्स। तो ये हो गया मेरे पास इवेंट ए और इवेंट बी। क्या आपको बात समझ में आई? तो तभी तो इंटरसेक्शन होगा, तभी आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि डाइस में जो मैंने लिखा था एग्जाम्पल 12 कब आएगा, जब सेकेंड वाले डाइस पे 6 आएगा और सेकेंड डाइस का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है फर्स्ट डाइस में आए हुए नंबर 6 से। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि इसका अगर वेन डायग्राम आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? सम 12 होने का, ये देखो लिख रहा हूं मैं यहां पे सम 12 होने का। तो इवेंट कब अकर होगा? इवेंट कब अकर होगा? जब मेरे पास फर्स्ट डाइस में नंबर और सेकेंड डाइस पे नंबर, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पे, और ये हो गया 1 2 3 4, ये 5। ठीक, अब इंटरसेक्शन कैसे देख रहे हैं हम लोग यहां पे? फर्स्ट डाइस में जो नंबर आया है ना, वो ऑलरेडी पहले से बोल दिया गया है कि वो 6 है। तो ये इवेंट कब होगा? ये इवेंट कब होगा? जब मेरे पास सेकेंड वाले डाइस में 6 आएगा। तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम जब मिलेंगे तो वहां पे बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जहां पे टाइप्स ऑफ इवेंट्स के जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए सब यूज होने वाले हैं। ठीक है, सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।